अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैनुल आबिदीन कासमी साहब बोल रहे हैं जी। शेख सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, एक बहसी गेवर का मसला था, थोड़ा उसके बारे में आपसे बात करनी थी। क्या बहसी गेवर का एक मसला है जो दर पेश आया है, तो थोड़ा उसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। वजू के ताल्लुक से है कि मसला नंबर 4 है, वजू का बयान है, भाग नंबर 1 है और पेज नंबर 40 है कि अगर कोई उल्टा वजू करे कि पहले पांव धो डाले, उसके बाद अपने सर का मसा करे, फिर दोनों हाथ धोए, फिर अपना मुंह धो डाले और इसी तरह उलट पुलट करके वजू करे तो भी वजू हो जाता है, तो इसके बारे में जानना था ये उल्टा वजू मतलब हो जाता है, इसकी दलील क्या है, कौन से सहाबी ने उल्टा वजू किया या अल्लाह के नबी ने कभी जिंदगी में उल्टा वजू किया, ये कहाँ से बात लाए? जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ ये उल्टा सीधा वजू नहीं होता है, ना ही उल्टी सीधी नमाज होती है। जो शरीयत ने तरीका दे दिया है, पाक है, शफाक है, बिल्कुल सही सीधा सुन्नत के मुताबिक, उससे वजू होगा ना। अब उसमें अपनी अकल हम सही ना लगा देंगे कि पहले पैर धो लें, उसके बाद हाथ धो लें, उसके बाद मसा कर लें, लास्ट में मतलब वो नाक में पानी डालें, बीच में कुल्ली कर लें, उसके बाद कोहनियां धो लें, उल्टा सीधा उलट पुलट करके किसी भी तरीके से वजू कर लें, तो दीन इतना आसान है उसको जबरदस्ती मुश्किल काहे के लिए करना, उसको उलट पुलट क्यों करना सीधे दीन को? मुश्किल क्या किया है? तो मुश्किल तो यही हो गया ना कि दीन हमारा सीधी बात बता रहा है, ऐसे वजू करो। पूरा बयान तो पढ़ा होगा आपने, किसी इतना ही पढ़ा जैसे पूरा बयान पढ़ा है या सिर्फ इतना ही पढ़ा है? मसला नहीं, मसला जो असल में पूरी बहसी गेवर में बहुत सारे मसले उतरे हुए हैं, लेकिन जो मसला गलत है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अब जो सही है वो थोड़ी ना पूछूंगा मैं, जैसे वजू से मुताल्लिक आप पूछ रहे हैं मसला। हाँ, वजू के बयान में है, भाग नंबर 1 में पेज नंबर 40 में वजू के बयान में, ठीक है, लेकिन फिर यही मसला है कि इसके अलावा भी पूरा वजू का बयान है। वजू के बयान में जो ये मसला जो ये उतरा हुआ है, क्या आप इसको सही मानते हैं कि उलट पुलट उल्टा सीधा अपने मनमाने तरीके से वजू करेंगे तो वजू हो जाएगा? जैसे वजू पूरा बयान पढ़िए फिर मसला आपके खुद को समझ सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना, मुझे तो कहीं नहीं मिला इसमें तो बता रहे हैं कि वजू हो जाता है। तरीका ही बतलाया है तो वजू का ये तरीका बदलाया उसने, वजू का तरीका ऐसा किया तो हो जाएगा ना, तो किसी ने ऐसा किया तो उसका हो जाएगा, तो कौन सी दलील उसका हो जाएगा? जैसे नहीं होगा उसकी कोई दलील है? हाँ, उसकी दलील ये है, कभी अल्लाह के नबी ने उल्टा सीधा वजू नहीं किया, कभी किसी सहाबा ने उल्टा सीधा वजू नहीं किया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भी कभी उल्टा सीधा वजू नहीं किया। जैसे किसी ने तो दावा अशरफ अली थानवी का है, तो दलील उनके जिम्मे होगी ना, ये बताइए। बिना दलील की बात नहीं है, जैसे कुरान ने वजू का जो तरीका बतलाया है और उसमें जिन चीजों को धोने को जरूरी वो तो फर्ज बताया है ना, लेकिन सुन्नत तरीका जो अम्मी आयशा बयान कर रही हैं, नबी की बीवी बयान कर रही हैं, सहाबा इकराम बयान कर रहे हैं, तरीका नहीं बतलाया ना। देखिए स्टेप बाई स्टेप होता है ना, पहले आदमी अपने हाथ धोएगा, उसके बाद अपने कुल्ली करेगा, फिर नाक में पानी डालेगा, फिर चेहरा धोएगा, स्टेप बाई स्टेप धोएगा या सीधे पैर धो लेगा, बीच में कुल्ली कर लेगा, फिर कोहनी धो लेगा, फिर मसा कर लेगा, उल्टा सीधा वजू कर लेगा। मतलब ये अशरफ अली थानवी साहब होते कौन है ये कहने वाले कि उल्टा सीधा वजू करने से भी हो जाएगा वजू? आप भी नहीं होते हैं कुछ उनको कहने वाले, लेकिन वजू, अरे हम तो है ना, हमारे पास तो दलील है कि उल्टा सीधा वजू नहीं होता, क्योंकि कभी सहाबा अल्लाह के नबी ताबई तबे ताबईन आइमा इकराम ने कभी उल्टा सीधा वजू नहीं किया, ये कोई दलील नहीं है इस मसले की, क्योंकि उन्होंने। अच्छा, तो और कौन सी दलील ना है? क्या साफ साफ आपको मतलब कहीं पे वो लिखा हुआ चाहिए कि उल्टा सीधा वजू नहीं होता है? आपको अल्फाज के हिसाब से चाहिए? जब अल्लाह के नबी ने अमल करके बता दिया तो वैसा करना है, उसके अलावा नहीं करना है। सुन्नत तरीका उन्होंने नहीं बतलाया ना,
सुन्नत का जो तरीका है वो भी उन्होंने तफसील के साथ लिखा है। वली थानवी साहब ने सुन्नत तरीका बताया वो चीज हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये बता दिया कि उल्टा सीधा वजू करने वाले का भी वजू हो जाता है, कैसे वजू हो जाता है, उसकी दलील क्या है? जैसे एक चीज हमें बताइए, जैसे आजकल टंकी का जमाना है ठीक, टंकी से नहाने वगैरह का किसी ने वजू नहीं किया शुरू में ठीक, टंकी खोल के बैठ गया, नहा लिया, उसके पूरे बदन उसके जल भीग गए, मतलब उसके लिए आप फिर से वजू करना जरूरी है? अगर वो बगैर वजू के नमाज पढ़ ले उसी गुस्से तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो वजू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? भाई अगर उसका पूरा बदन भीग गया है, बाल बराबर सूखा नहीं है, और अगर वो अपने मतलब वो नंगे हाथ की हथेलियों से अपनी अगली और पिछली शर्मगाह को नहीं छूता है तो वो नमाज पढ़ सकता है वजू करके? उसी को दलील है, अब फिर वजू करेगा? तो वजू तो करेगा ना, वजू उसने किया कहाँ, वो तो टंकी के नीचे बैठ गया ना, वो गुस्ल उसका हो गया, वजू नहीं हुआ ना? वजू नहीं हुआ, कैसे वजू हुआ? नहीं हुआ, कोई दलील है आपके पास इस तरह वजू नहीं होगा? अगर इस तरह कोई नहा ले जो है वजू ना करे पूरा? अरे हाँ बिल्कुल, अल्लाह के नबी जब मेरे भाई जब अपनी बीवी से सोबत करते थे और उसके बाद जब जाते थे नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए, तो अल्लाह के नबी पहले अपनी शर्मगाह धोते थे, फिर अपने हाथ को जमीन से साफ करते थे, उसके बाद दोनों हाथों को धोते थे। ये नहीं पूछ रहे हैं भाई, आपसे सुनिए समझिए क्या कह रहे हैं। अच्छा हम जो आपसे पूछ रहे हैं आप हमें उतना बता दीजिए, उलट पुलट करके उल्टा सीधा वजू करना, और यहाँ तक कि बहिश्ती शहर में एक जगह उतरा हुआ है कि उल्टी सीधी नमाज अगर कोई पढ़ ले तो उसकी नमाज भी हो जाती है, यानी कि पहले कोई सलाम कर ले, बाद में रुकू कर ले, उसके बाद कयाम कर ले, उसके बाद सजदा कर ले, तो मतलब उल्टा वजू कर ले तो भी जायज है, उल्टी नमाज पढ़ ले तो भी जायज है। ये उल्टी खोपड़ी वाली कौन सी बात है? नमाज के बारे में, उल्टी नमाज के बारे में हवाला दे सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, ये बहिश्ती जेवर में भी उतरा हुआ है और दुर्रे मुख्तार में भी उतरा हुआ है। बहिश्ती जेवर में बतलाइए, हवाला बतलाइए बहिश्ती जेवर का। हाँ हवाला मैं आपको स्कैन अभी भेज रहा हूँ आपके नंबर पे, आपको हिंदी पढ़ना आता है ना? अभी बतलाइए, अभी मुझे देखना पड़ेगा ना, अभी तो मैंने फसले के ऊपर मैंने फोन किया है उसका मैंने आपको हवाला दे दिया है। बिना देखे अभी आप कह रहे हैं ना? अरे ऐसे तो आपकी बहिश्ती जेवर में उतरा हुआ है शौहर के लापता होने के बयान में कि अगर किसी का शौहर खो जाता है तो वो औरत शौहर के 90 साल होने तक का इंतजार करेगी। वो हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, तो फिर बहिश्ती जेवर में तो बहुत सारी बातें हैं। जिस मसले के लिए आपने हमारे पर फोन किया है, कुल मिला के आपके नजदीक उल्टा वजू करने पे वजू हो जाता है ना, यानी कि बिना दलील बात मानना आपके वहाँ जायज है? नहीं बिना दलील में बात मत हो गई मेरे भाई, है तो आप हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जैनुल अब्दीन साहब बोल रहे हैं जी, आप कौन सर? हाँ भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आपसे मसला पूछा था बहिश्ती जेवर का तो आपने बताया नहीं। मुझसे कभी पूछा था सर? भाई कल ही आपसे बात हुई थी, अगर याददाश्त आपकी तेज हो तो। जैनुल अब्दीन कासमी साहब बोल रहे हैं ना? नहीं सर। अच्छा भाई असल बात ये है ना, बहिश्ती जेवर में मसला उतरा हुआ है, मसला नंबर 4 है, अगर कोई उल्टा वजू करे कि पहले पाँव को धो डाले, फिर उसके बाद मसा करे, फिर दोनों हाथ धो ले, फिर अपना जो फेस है मुंह को धो ले, और किसी तरह उलट पुलट करके वजू करे तो भी वजू हो जाता है। वजू का बयान भाग नंबर 1 पेज नंबर 40। तो ये जानना था कि उल्टा पुलटा उल्टा सीधा वजू हो जाता है बेतरतीब, इसकी भी मतलब दलील क्या है? नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता तो ये बहिश्ती जेवर में क्या सैफ अली थानवी साहब ने अपनी अकल से लिख दिया? इसने हमारे खिलाफ साजिश की। इसने हमारे खिलाफ साजिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप मानते हैं कि ये मसला जो है ये गलत है, कुरान हदीस के खिलाफ है? इसी ने लिख दिया है, हमारे सैफ ने।
अरे बहिश्ती जेवर में उतरा हुआ है मेरे भाई, वो भी बहिश्ती जेवर आज से भाई नहीं टप रही है, पचासों सालों से भाई ये शक्ति आ रही है। ठीक है, देवबंदी औरतों को ये दहेज में दी जाती है, देवबंदी औरतें लोग इसको पढ़ती हैं, अमल करती हैं। क्या पुराना नुस्खा पुराना पुराना नुस्खा भाई बहिश्ती जेवर आपके मतलब की किताब है, आपके अकाबिर ने इसको लिखी है, उसमें लिखा हुआ है बेतरतीब अगर कोई वजू करता है उल्टा सीधा तो वजू हो जाता है। आप कह रहे हैं ये एक साजिश है, तो साजिश तो इसका मतलब अशरफ अली थानवी ने की है ना? नहीं सर, आप गलत समझे नहीं, कोई हमारे खिलाफ जो है किताबें कोई, अरे मेरे भाई फिर वही देवबंद से छपी हुई है, देवबंद प्रिंट है, कोई भी कर सकता छापने वाले भाई देवबंदी, पढ़ने वाले देवबंदी, पढ़ाने वाले देवबंदी, अमल करने वाले देवबंदी, तो साजिश कौन करेगा? आपके खिलाफ कोई छपवा दो आपका, तो मेरे खिलाफ आप छपवा दीजिए तो मैं फौरन में एक्शन लूंगा ना। मैं कोई ये तो सैकड़ों साल से किताब छपती आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, इसका दिफा भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हो ये साजिश है? ये तो आपकी बात समझ वाली है, आपकी बात समझ वाली है। हाँ हो सकता है शायद इनसे गलती हो गई हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आपने मान लिया कि असाबिर से आपके अशरफ अली थानवी साहब से गलती हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। आप मुझे समझ लीजिए हजारों में एक ऐसे आदमी मिले हैं जिसने वाकई गलत को गलत कहा है, वरना बाकी देवबंदी तो गलत को भी सही साबित करने के लिए कुरान हदीस का उल्टा सीधा इस्तेमाल करने लगते हैं। चलिए खैर ठीक है, एक बात पूछना था मैं। जी पूछिए। यहाँ पे कुछ लोग जो है उसके पद्धति में पढ़ा लिखा नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं मुझे वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बस एक कुछ लोगों से कांटेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, या कुछ रात इमाम से कुछ लिया मिलता है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो अभी जैसे कि यहाँ पे बंदी है अलग तो लोगों में चलता रहता है, कहते हैं कि यजी जो है गलत है, तो यजी जो है अक्सर है कौन अभी यजीद रहमतुल्लाह के बारे में। अच्छा यजीद, हाँ तो मतलब ये बरेली यहाँ पे रहने वाला ऐसे गलत गलत बोल रहे थे, तो फिर एक ऑडियो मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन है वो मतलब उनसे बैठ कर ली थी, तो क्या ये बात है भाई? देखिए हमारे नजदीक हम इस मामले में सुकूत इख्तियार करते हैं, सुकूत यानी कि खामोशी इख्तियार करते हैं, ना हम उनको गाली देते हैं, ना उनके ऊपर लालसान करते हैं, और ना उनसे बहुत ज्यादा मतलब हम शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। ठीक, उनका मामला मल्ला के ऊपर छोड़ते हैं, हम इस बारे में कोई अपना कमेंट हम नहीं करते हैं। हमसे पहले जो कौमें जा चुकी है उनका हिसाब अल्लाह करेगा, हमें अपने अमाल को देखना है। नहीं नहीं सर, मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे लानत करना चाहिए आपको, लानत करना चाहिए आपको, मैं ये नहीं करना चाहिए जो है ये पूरा मतलब है कि बात की थी, तो क्या बात है या गलत भाई मेरे को नहीं मालूम। अच्छा एक एक ऑडियो की भली तरफ से आया था या जो जमीन तो उन्होंने लग रहा था कि वो एक अपने जो है जी उनकी अपनी तहकीक होगी, उनको इल्म होगा इस बारे में, हमें अभी मेरी इस मौजू पे ज्यादा तहकीक नहीं है, और ना मैं इस मौजू को उसको मतलब ज्यादा छेड़ता हूँ। तो क्या आप उनकी तहकीक से मुख्तलिफ हैं या मुताबिक हैं? देखिए हम नदीम खान भाई के ना तो मुकल्लिद है ना कुछ, अब उनकी तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह सही होगी तो हम उसको मानेंगे, नहीं सही होगी तो नहीं मानेंगे। बाकी मेरे नजदीक तो भाई मतलब ये है कि हम भाई लालसान करने के चक्कर हम खिलाफ हैं, और बाकी भाई अमीरुल मोमिनीन तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही, और वो ऐसे लश्कर में थे जिसको मतलब भाई अल्लाह ताला ने मतलब बशारत दी थी कि मतलब जो मतलब इस उसके लश्कर के हैं वो जन्नती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में हमें मालूम सब है, लेकिन हम इस मौजू पे वो अपना हम जबान नहीं खोलना चाहते हैं, नहीं काफी सारे मतलब बरेलवियों के मिर्चे लग जाएंगे,
जो हर करबला के टाइम हर मुहर्रम में मेले लगा के जो गालियां देते हैं और लालच बरसाते हैं, तो हम इस मौजू से थोड़ा एहतियात करते हैं। नहीं नहीं बोला कि हम मैं घर जिम्मेदार इंसान हूँ तो मैं किसी के बोले थे गलत है ना, तो अपने आप नहीं, जो गलत है गलत को गलत बोलिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के जो प्यारे नवासे थे उनका जो भी असली कातिल हो उसके ऊपर अल्लाह सुबहान व तआला की मतलब बेशुमार लालते हों, फरिश्तों की बेशुमार भाई वो मतलब इस कायनात में जो कोई भी भाई वो मखलूक है सबकी लालत हो उसके ऊपर जो कातिल हो। लेकिन कातिल कौन है ये पहले इंसान पहले पता कर ले। अब जबरदस्ती नहीं, वो फला ने वो यजीद ने मारा, यजीद ने कत्ल किया, जबरदस्ती कोई सबूत नहीं, कोई तारीखी हवाला नहीं, बेसनद बातें, तो ये सब गलत है ना। जो असली कातिल है इस मैटर में ये हुआ है, आजकल लोग क्या है पता है, आजकल कंटप्पा ने बाहुबली को काहे के लिए मारा ये सबको मालूम है। आप समझ रहे हैं, कंटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये सबको मालूम है, लेकिन मतलब अल्लाह के नबी के जो प्यारे नवासे थे उनका कातिल कौन है ये बात वो लोग सुनी सुनाई बात पे मान लेते हैं। अगर कोई कातिल है तो उसके लिए गवाह चाहिए। अब गवाह भी भाई तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं देखने वाले चश्मदीद गवाह, एक होते हैं सुनने वाले, एक होते हैं जिनसे लोगों ने बताया हो। तो तीनों गवाह हैं, तीनों गवाहियां मौजूद है, किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ भाई ये फला आए थे यजीद ने आके कत्ल किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बीच वालों ने फायदा उठा लिया। आप समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इशारा उसी का था तो वो भी उस पर मुत्तफिक है, तो मुत्तफिक है तो वो भी सजा का हाइल वो ये कहते हैं। तो हम कह तो रहे हैं ना कि अगर उनका हाथ होगा, अगर यजीद का अगर कत्ल में हाथ है या वो मतलब कत्ल की साजिश में वो थे तो अल्लाह सुबहान व तआला की उनके ऊपर भाई वो लालत हो, और अगर वो कातिल नहीं थे और जो लोग जबरदस्ती उनके ऊपर जानबूझ के लालसान कर रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह की लालत हो। हम तो कातिल की लालत भेज रहे हैं ना, वो कोई भी हो सकता है। देखिए बरेलवी लोगों के मुंह ना लगा कीजिए, क्योंकि उनके अक्ल बहुत ज्यादा होती है और इल्म बहुत कम होता है। आप समझ रहे हैं, अक्ल बहुत चलाएंगे लेकिन इल्म से पैदल होंगे। अब जैसे आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको भाई ये बेइज्जती जेवर का मसला मैंने बताया, आपने कहा कि हाँ ये जो मसला है भाई ये गलत है, क्योंकि उल्टा सीधा वजू हो ही नहीं सकता। ये कोई भाई ये कोई तो ही ना है कि आदमी पहले पैर धो ले, फिर अपनी कोहनी धो ले, फिर सर का मसा कर ले, फिर आंखों में पानी डाल ले, फिर कुल्ली कर ले, उसके बाद अपने मतलब भाई टखनों को धो ले, उसके बाद नाक में पानी डाल ले, तो उल्टा सीधा वजू नहीं होता है। जो दीन हमको अल्लाह के नबी ने दिया है एक तरतीब के मतलब स्टेप बाय स्टेप है कि पहले हाथों को धोएंगे, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, फिर चेहरा धोएंगे, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने ये मसला पता नहीं कहाँ से उतार दिया कि उलट पुलट अगर करके कोई वजू करेगा तो भी उसका वजू हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा भाई उसका वजू, उल्टा सीधा वजू क्या कभी किसी साहबा ने किया? क्या कभी अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ तुम उल्टा सीधा वजू के आजा खाली भिगो लो तुम्हारा वजू हो जाएगा? तो नहीं। तो यही दलील जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं हो जाता है, नहीं होने की क्या दलील है, तो वो उल्टा सवाल करने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझा, आपने माना, आप समझदार आदमी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमें खुशी हुई। गलत की दलील जरूरत नहीं है, बेशक बेशक उल्टा कर रहा है वो तो कहीं भी साबित नहीं है किसी ने किया, और अपनी तौर पे गलत भी लगता है और लगता है। आप देखे ना यहाँ पे सरकार तक तो मैंने ना पे सुना है ना मेरे पास देखी जरूरत है पढ़ाऊँ, लेकिन ये जाहिर सी बात है अगर किसी को आप बताएंगे तो यही कहेगा कि ये गलत है। ये हनफी फिका में भी उतरा हुआ है, हिदाया में दुर्रे मुख्तार में भी, कि बेतरतीब अगर कोई वजू करता है उल्टा सीधा तो भी उसका वजू करना दुरुस्त है, यानी कि वजू उसका जायज हो जाता है। और यही मतलब इसी जेवर भी गुजरा हुआ है साफ साफ वजू के बयान में, बाग नंबर 1 पेज नंबर 40 पे।
चलिए ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।